पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः क्या बतला दिया गया है? 50 श्लोक तक हो गए हैं 18वें अध्याय के। और किस प्रकार से परम सिद्धि की प्राप्ति हो? दो प्रकार की सिद्धि अध्यात्म मार्ग में दो प्रकार की क्या बदलाई है सिद्धि बदलाई। प्रथम है अंतःकरण की विशुद्धि रूप सिद्धि। पहले क्या है? हृदय पूर्ण रूप से निर्मल हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष छल कपट अहमता ममता रहित हो जाए और चित्त में विवेक वैराग्य सट संपत्ति और मुमुक्षुता की प्रतिष्ठा हो, तब समझना चाहिए कि हमारा अंतःकरण विशुद्ध हो गया। एक शब्द में कह दिया गया अंतःकरण की विशुद्धि। लेकिन जितने भी साधन हैं वो सब के सब किस लिए? अंतःकरण की विशुद्धि के लिए। चाहे वो जप है, चाहे वो तप है, चाहे वो तीर्थ है, चाहे वो स्नान है, चाहे वो यज्ञ है, चाहे वो दान है, चाहे वो व्रत है, चाहे वो सेवा है, चाहे वो ध्यान है, जितने भी साधन है, सुकृत है, सत्कार्य है, यदि वे निष्काम भाव से किए जाए तो अंतःकरण की विशुद्धि के हेतु बनते हैं। और परमात्म प्राप्ति तो ज्ञान से होती है। तत्व प्राप्ति किससे होती है? गुरु प्रदत्त जो आत्मज्ञान है उससे ही तत्व की प्राप्ति, तत्व अनुभूति होती है। तो बाकी जितने भी साधन हैं वो सब के सब किस लिए? अंतःकरण को विशुद्ध करने। अंतःकरण विशुद्ध हो गया कैसे पता लगे? पहले भी बताया है, जब स्वार्थ निकल जाए, जब मोह मतलब मैं और मेरे परिवार ये सब भाव समाप्त हो जाए, सबके प्रति समान रूप से प्रेम, सबके प्रति समान रूप से करुणा हो, ऐसे नहीं कि वो 5-6 लोगों के प्रति अलग और बाकी दुनिया के प्रति अलग, तो फिर वो मोह। अपने शरीर के प्रति भी निर्मोह होना, और निर्मोह होने का मतलब है जैसे ये शरीर है, जैसे ये शरीर है वैसे ही ये शरीर भी है, जैसा ये शरीर को भोजन चाहिए, इस शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही इस शरीर को भी भोजन चाहिए,
ऐसा नहीं कि ये शरीर अपने शरीर के लिए जो है वो गुलाब जामुन और बाकी शरीरों के लिए क्या है रूखा सूखा। तो इसका मतलब क्या है, देह में ममता है, देहात्म बुद्धि है, देह में आसक्ति। समस्त भूत समुदाय के प्रति समता का भाव होना, सबके प्रति हृदय में प्रेम और करुणा का भाव होना और विवेक वैराग्य मुमुक्षुता प्रबल रूप से विद्यमान होना, तब समझना कि हमारा अंतःकरण विशुद्ध हो गया। जब केवल एक ही चाह रह जाए, तत्व प्राप्ति, परमात्म प्राप्ति, आत्म कल्याण, उससे पहले आपका अंतःकरण विशुद्ध नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से जिसने अंतःकरण की विशुद्धि रूप सिद्धि प्राप्त कर ली है, उसको जो नैष्कर्म्य सिद्धि है, परम सिद्धि, वो किस प्रकार से प्राप्त होती है, जिस प्रकार से बताया ना, सिद्धि प्राप्त, संसिद्धि को प्राप्त किस प्रकार से ब्रह्म को प्राप्त करता है, इसको तू मेरे से जान। और हे कुंती नंदन, संक्षेप में ही जो पराज्ञान की निष्ठा है उसको तू मुझसे सुन। जो परा, अपरा नहीं, जो सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, जो अंतिम पद है आत्म पद, वो आत्मनिष्ठा जो है उसको तू संक्षेप में मुझसे सुन। तो इस प्रकार से बतलाने के पश्चात फिर क्या बतलाते हैं, साधन बतलाए जाते हैं कि किस प्रकार से साधक को सनई सनई और पूरी गंभीरता, एकाग्रता और लगन के साथ में परमार्थ पथ पर बढ़ते हुए परमात्मनिष्ठा को प्राप्त करना चाहिए, तो साधन बतला रहे। तो 51वां श्लोक आप लोग पढ़ेंगे। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। बुद्धया विशुद्धया युक्तः धृति आत्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। धृत्या ही रहेगा, वो धृति नहीं करेंगे, संधि विच्छेद है ना, धृति भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर शब्द धृत्या ही है। विशुद्धया बुद्धया युक्त, जिसकी बुद्धि विशुद्ध हो गई, सब प्रकार की कालिमा, कालुष्य, मल, पाप, राग द्वेष से रहित हो गई। जिसकी बुद्धि क्या हो गई है, विकार रहित हो, मल और विक्षेप रहित, विशुद्धया बुद्धया युक्ता। प्रथम साधन बतला दे कि बुद्धि कहीं उलझी हुई ना हो, कहीं भी ना कहीं राग हो और ना कहीं द्वेष हो, ना कहीं मोह हो और ना कहीं पर अहमता ही हो, ना ममता हो ना अहमता।
तो ऐसी विशुद्ध बुद्धि से जो युक्त है, धृत्या, और जो क्या है, धैर्य युक्त है, क्या है, धैर्य संपन्न है, धैर्य है, उतावलापन नहीं है, तेजी नहीं है, अधीरता नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, धैर्य है, ठहराव, धृत्या, धैर्य, आत्मानं नियम्य च, और अपने अंतःकरण को जिसने क्या किया हुआ है, नियमन किया हुआ है, या फिर ये जो कार्य करण संघात, इसको जिसने नियमन किया हुआ है, कार्य में आ जाएगा शरीर और करण में आ जाएंगी इंद्रियां। कार्य में आ गया शरीर और करण में आ गई इंद्रियां, और इंद्रियां भी बाह्य इंद्रियां भी और अंता, बाह्य करण भी और अंतःकरण भी। बाह्य करण है 10, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण वैसे एक है लेकिन वृत्ति भेद से उसको क्या है, 4 बोल देते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इस प्रकार से कार्य करण संघात रूप जो ये है, इसको नियम्य माने वश में करके शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा, जो शब्दादि विषय है इनको त्याग कर, शब्दादि कितने विषय हैं, 5 विषय, तो इन शब्दादि 5 विषयों को त्यक्त्वा माने त्याग करके, अर्थात इनकी आसक्ति से, अनुराग से रहित होकर, अर्थात इनके, इनसे वैराग्य युक्त जो है, शब्दादि जो विषय है जिसके चित्त को अपनी ओर नहीं खींचते हैं, अपनी ओर नहीं आकर्षित करते हैं इंद्रियों को, अंतःकरण को, तो शब्दादि इन विषयों को त्याग करके राग द्वेषौ युदस्य च, और राग द्वेष जो है ना, इन राग द्वेष को भी क्या करके, उखाड़ करके, हाँ? जो राग द्वेष है इनको क्या बतलाया है, इनको अभी परित्याग कर, राग द्वेष ना हो, क्योंकि ये जो बंधा हुआ है जीव, ये किसी ने बांधा नहीं है, ये राग और द्वेष से ही बंधा हुआ है। कुछ विषय वस्तु में राग करता है, कुछ विषय वस्तु से द्वेष करता है, और राग द्वेष के बीच में जो समता है, दोनों के मध्य में क्या है, समता, वो समता ही अपना स्वरूप है, उस समता में स्थित नहीं रहता है, या तो राग युक्त हो जाएगा या द्वेष युक्त हो जाएगा। तो ये राग द्वेष जो है, ये दोनों ही बांधने में कारण है, इनसे ही बंधा हुआ है, और इन राग द्वेष से युक्त होकर विविध प्रकार के कर्म करता है, और उन विविध कर्मों के विविध फल होते हैं, और उन विविध फलों को भोगने के लिए विविध योनियां हैं, और इस प्रकार से निरंतर ये जो क्रम है वो चलता रहता है। राग द्वेष से युक्त होकर क्या हुए, कर्म हुए विविध प्रकार के, शुभ या अशुभ, और शुभ अशुभ कर्म का फल हुआ धर्म या अधर्म, पाप या पुण्य,
और उन पाप और पुण्यों का जो फल है भोग, वो है सुख दुख। तो उस सुख दुख को भोगने के लिए कभी ऊपर कभी नीचे योनियों में, कभी देवादि लोक में, तो कभी कीट पतंग पशु पक्षी आदि योनियों में ये जीव भ्रम रहा है। इसको कोई भगवान कहीं नहीं भेज रहा है, ये अपने आप अपनी इच्छा अपने कर्म अपने संस्कार से ही आ जा रहा है। जैसे कोई सज्जन व्यक्ति है तो वो सज्जनों के संग में जाता है। क्यों, कौन लेके जाती है? उसकी जो संस्कार है सदवृत्ति है उसको सज्जनों के संग में ले जाती है। और कोई दुष्ट प्रकृति का है तो उसके जो पाप है मलिन संस्कार है वो उसको कहाँ ले जाते हैं? दुर्जनों के संग में ले जाते हैं। तो ईश्वर ने भेजा क्या? किसी भगवान ने भेजा क्या? हैं, किसी परमात्मा ने भेजा हो या परमात्मा ने सुख दुख दिया हो या परमात्मा किसी को जो है वो विपत्ति देता हो, सब कुछ स्वयं पैदा की हुई है, स्वयं रक्षण की हुई है और स्वयं उनका निर्माण किया हुआ है। जैसे कोई अपने जो भूमि पर क्या बोए, कंटीला कांटो युक्त बबूल बोए और फिर अपने खेत में घूमेगा तो पैरों में भी क्या लगेंगे और शरीर में भी क्या लगेंगे? कांटे लगेंगे। अब वो किसी और ने तो बोए नहीं है, किसने बोए? बोया भी आपने, पाला भी आपने, संभाला भी आपने, इसलिए भोगेंगे भी। तो इसलिए किसी का कुछ भी किया हुआ नहीं है, जो कुछ किया हुआ है अपना किया हुआ। अच्छा मिल रहा है वो भी आपके ही कर्म का भोग, बुरा मिल रहा है वो भी आपके ही कर्म का भोग, दूसरा कोई इसमें कारण नहीं है। लेकिन बुद्धि की मलिनता देखो, दूसरे को कारण मानता है। इसने मेरे को दुख दिया, इसने मेरा अपमान किया, इसने मेरी हानि पहुंचाई, इसने मेरे को जो है वो कष्ट दिया, ये मूढ़ता है। इससे बड़ी मूढ़ता कोई नहीं हो सकती। जो कुछ भी हानि लाभ सुख दुख मान अपमान संयोग वियोग आपको प्राप्त हो रहा है, केवल और केवल और केवल आपके ही कर्म का फल है। ये बात गांठ मार लोगे तो किसी से ना मोह होगा और ना किसी से द्वेष। ये बात यदि समझ में आ जाए तो। लेकिन दूसरा किसने किया, इसकी क्या हिम्मत है, क्या करेगा बेचारा? ये इतना करने वाला अपने लिए कर लेना, सब सुखी होना चाहते हैं, स्वयं सुखी हो ले। कोई भी कर सकता है तो किसके लिए कर सकता है? अपने लिए कर सकता है। लगता है कि हमने संतान के लिए किया, आपने कुछ नहीं किया, संतान के प्रारब्ध में था। आप कौन करने, आपने जो कुछ किया अपने अपने संतोष या अपने सुख है या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए के, जो कुछ आप केवल किसके लिए किया है? और उसका जो फल होगा, जो सुख या दुख पाप या पुण्य, वो भी कौन भोगेगा? वो नहीं भोगेंगे जिनके लिए आप कपट कर रहे हो, जिनके लिए आप अनर्थ कर रहे हो, उसका फल वो नहीं भोगेंगे। कौन भोगेगा? जो कुछ भी, अब इतनी मोटी सी बात है पर, और जानते कौन नहीं, सब जानते हैं दुनिया पर, 1% क्या आधी प्रतिशत भी इस बात को न समझने न मानने वाले लोग नहीं मिले। कितनी मूढ़ता है, कोई सीमा है मूढ़ता की? तो जीवन में जो कुछ भी है वो क्या है? अपने ही कर्म, अपने ही संस्कार, अपने ही वासना, उसका फल है ये।
और कोई इसमें कारण नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं राग द्वेष दोनों से रहित होकर, क्योंकि राग द्वेष ही इसको बांधते हैं, किसी और ने नहीं बांधा है। और राग द्वेष भी अपने आप नहीं हो गए, आपने किए हैं, आपकी इच्छा से होते हैं, आपके चाहते हो तब होते हैं। है? राग द्वेष कुछ है क्या? वो तो सब जड़ है ना। राग भी आपका किया हुआ है, द्वेष भी आपका, किसी और का किया हुआ नहीं है, झूठी बात है। इसका किया हुआ है अपना ही किया। और यदि आत्म उद्धार चाहता है, आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, तो उसके साधन बतला दिए हैं, शब्दादि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष का परित्याग करके, क्या करके? राग द्वेष का परित्याग करके क्या करना चाहिए? आत्मचिंतन करना चाहिए। और क्या क्या करना चाहिए बतला रहे, और साधन अभी क्या क्या बता दिया? विशुद्ध बुद्धि हो, धैर्य युक्त हो, अपने कार्य करण संघात को जिसने वश में किया हो, शरीर इंद्रिया आदि को, शब्दादि विषयों का परित्याग करके और राग द्वेष को छोड़ करके। कितने साधन बतला दिए? पांच बतला दिए। आगे देखिए क्या कहते हैं, 52वां श्लोक। विविक्त सेवी लग्वाशी यद्वा कायमानशः ध्यान योग परो नित्यम् वैराग्यम समुपाश्रितः। विविक्त सेवी लग्वाशी यतवाक, पूरा शब्द यतवाक कायमानसः ध्यान योग परः नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। विविक्त सेवी एकांत सेवन का जिसका स्वभाव, जो जनमानस समुदाय है उसमें जिसकी प्रीति ना हो, क्योंकि जनमानस समुदाय में क्या होगा, उनमें तो बहिर्मुख चर्चा ही हो, और जनमानस के समुदाय यदि इच्छा है तो क्यों? क्योंकि उसमें प्रीति है, उसमें राग है, अर्थात बहिर्मुखता है, परमात्म चिंतन की लगन नहीं है। विविक्त एकांत स्वभाव को यहां से कहीं जाना हो तब भी कहेगा जी उसको साथ में भेज दो, क्यों? बात करते जाएंगे तो पता लग जाता है कितना बहिर्मुख। कोई विचारवान होगा वो सोचेगा अकेला ही ठीक है भाई, काम भी हो जाएगा और रास्ते भर अपना चिंतन करता हुआ, भजन करता हुआ जाऊंगा, वो तो ये देखेगा। दूसरा चाहिए जिसको, चाहिए तीन चाहिए, इसका मतलब यही है कि एकांत सेवन का स्वभाव नहीं है, बहिर्मुखी है। एकांत मिले जहां भी हो, ऐसा कुछ नहीं है एकांत। और ज्ञानी का तो बता दिया है हमने कि ज्ञानी के लिए तो बाजार में भी है तब भी एकांत है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर ना कहूं से दोस्ती। तो जो आत्मनिष्ठ है, जिन्होंने जो पाना है वो पा लिया,
उनके लिए तो वही जंगल है और वही बाजार जंगल है। क्यों? क्योंकि वो बाजार में बैठा हुआ है, चौराहे पर बैठा है, तो भी वो एकांत में, तो भी अकेला है, क्योंकि वो देखते हुए भी नहीं देख रहा है, देखते हुए भी नहीं देख रहा, क्योंकि वो साक्षी रूप में अपने आत्म रूप में प्रतिष्ठित है और जगत की मिथ्यात्व स्वप्न रूपता का जिसने अनुभव कर लिया है। तो जगत में रहते हुए भी जगत में है नहीं वो, दुनिया को, दुनिया तो शरीर देखती है ना, दुनिया क्या देखेगी, शरीर को देखेगी, शरीर की क्रिया को देख सकती है, इंद्रियों को, इंद्रियों के कर्म को देख सकती है, लेकिन वो तो अलग ही है ना, ना वो शरीर, ना वो इंद्रिया, ना वो अंतःकरण, ना वो प्राण, ना वो मन, ना वो बुद्धि, वो तो आत्मा है, सभी आत्म रूप है, पर उसको अपनी आत्मा का बोध हो गया, साक्षात्कार हो गया, इसलिए वो संसार में शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं है, संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं है, शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं है। शरीर अपनी जगह, इंद्रिया अपनी जगह, अंतःकरण प्राण आदि अपनी जगह, उसका क्या संबंध है? जिसको ये दृढ़ बोध है, जिसको आत्मनिष्ठा है, उसका क्या संबंध रहेगा? कोई संबंध है क्या? कोई संबंध नहीं। तो विराजमान है, अपने आप में छका हुआ है, अपने आप में तृप्त है, संतुष्ट है, प्रसन्न है, तो ये बात है। तो इसलिए विविक्त से भी साधक की बात बतला, संसारी की बात नहीं। संसारी को तो क्या है, दुनिया चाहिए, बाजार में प्रीति है। संसारी की किसमें प्रीति है? शॉपिंग करने में प्रीति। आजकल शॉपिंग की बीमारी लगी है ना, क्या शॉपिंग कर, ये क्या है, ये सांसारिकता है, संसारी है। और साधक को एकांत प्रिय है, साधक को एकांत प्रिय है, जहाँ पर वो क्या है, स्वाध्याय कर सके, चिंतन कर सके, मनन कर सके। और ज्ञानी, ज्ञानी को ना एकांत चाहिए और न भीड़ भाड़ से, जंगल दंगल से कोई मतलब है, उसके लिए तो सब बराबर ही है। क्यों? क्योंकि वो तो अलग ही लोक में प्रतिष्ठित है। कहाँ प्रतिष्ठित है? अपने आत्मा में प्रतिष्ठित है। इसलिए युद्ध होता रहे तो उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ होते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है। जैसे जो व्यक्ति स्वप्न देख रहा है या सोया हुआ है, जागृत में जो घटित होने वाली घटना से उसका तब तक कोई संबंध है क्या? जो प्रगाढ़ सुषुप्ति में है या जो स्वप्न देख रहा है और जागृत में होने वाली धूप या छिप जाने बादलों से सूर्य के छिप जाने आदि से उसका कोई उसकी दृष्टि में है क्या? वो वैसे ही जो अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित है उसके लिए ये संसार की दृष्टि नहीं है। ये संसार में होने वाले उपद्रव, उछल कूद, ये सब यों ही होता रहता है, उसकी दृष्टि में नहीं है। वो अलग जगह प्रतिष्ठित है, वो अलग ही जगह विराजमान है, अपने आप में विराजमान है। हाँ विराजमान है अपने। तो इसलिए उसकी बात अलग है, साधक की बात है। साधक को क्या चाहिए? एकांत। लघुआशी, लघु आशी माने थोड़ा खाने वाला, क्या पेट पेट पेट, यों पेट मिलेंगे। तो इसका मतलब वो क्या है? पेट का मतलब ही है आलस्य। पेट का मतलब क्या है? पेट होता किसके? आलसी के। और पेट हो जाता है तब क्या होता है? आलस। तो आलस वाला ना तो बैठ सकता, ना विचार कर सकता है, ना चिंतन कर सकता,
क्योंकि हर समय आलस्य छाया रहेगा मस्तिष्क में, शरीर पर। इसीलिए बहुत लघु भोजन करने के लिए बोला है, थोड़ा खाए। क्या हो? थोड़ा खाया जाए। कई लोग कहते एक समय खाते हैं जी, पर वो एक समय में ही चार समय की पूर्ति कर लेते हैं। वो थोड़ा खाना नहीं हुआ। थोड़ा भोजन करे जिससे कि आलस्य ना आए। कौन सा पहलवानी करनी है? पहलवानी करनी है या परमात्म चिंतन करना है? तो फिर बहुत ज्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो स्वभाव है कि ज्यादा खाने का। रसनेन्द्रिय के चंगुल में फंसा हुआ है, पेट भर गया है कहते, पर मन नहीं भरा है, रसना नहीं भरी है, तो और खाता रहता है, खाता रहता है। तो लघुवासी क्या करना चाहिए? थोड़ा भोजन करे साधक को। तो भोजन का बड़ा ही क्या है, बड़ा ही महत्व है, साधन है भोजन, और सात्विक भोजन होना चाहिए। वो पीछे बतला दिया है कैसा भोजन हो, सात्विक भोजन हो। सात्विक भोजन में क्या बतलाया था? आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या, कैसे हो? रसयुक्त हो, स्निग्धा, स्निग्ध हो, रूखे न हो, अर्थात जो चिकने, चिकनाई, घृत आदि से युक्त, रस्या स्निग्धा स्थिरा। ऐसा ना हो अभी खाया एक घंटे बाद फिर भूख लग जाए, ये बीमारी, ये भी बीमारी है, इन्हें कला ने ऑपरेशन करा लिया, बीमारी बीमारी निकलवाने गई थी, बीमारी लग गई। स्थिरा, स्थिरा का मतलब क्या है? ऐसा भोजन कर लिया जाए कि कम से कम 8-10 घंटे बेफिकर, क्या बेफिकर। लेकिन अब तो क्या होता है, सुबह खा के निमटता नहीं व्यक्ति, दोपहर की भट्टी फिर चढ़ जाती है, दोपहर का वाला निमटता नहीं है, 3 बजे की भट्टी फिर चढ़ जाए, 3 वाली फिर निमटती नहीं है, तो भट्टी चढ़ी ही रहती है। तो वो कहते स्थिरा, वो ठीक नहीं है साधक के लिए, क्योंकि उसी वही काम करना पड़ेगा हर समय बढ़ाओ। एक महात्मा बता रहे थे, महात्मा लोग साधन करते थे ना, तो बस स्नान आदि करके प्रातः काल वो जल्दी उठ करके और बैठ जाते अपने ध्यान में। उसके बाद मान लीजिए उठे 8-9 बजे, तो बस आग जलाई, हंडी में चावल वावल धोए, दाल धोई और आग जला के हंडी रख के पानी डाल के चावल दाल नमक जो डालने डाल दिया, और वो पक रही है, अपना बैठे हुए भजन कर रहे हैं। वो पक गई, खिचड़ी खा ली, और अगले दिन फिर बस 9 बजे ही हंडी चढ़ेगी, 24 घंटे का काम हो गया। क्यों? क्या भोजन करेंगे, ध्यान करेंगे? क्या भोजन करने आया था या भजन करने आया था? है क्या तुलसीदास? भोजन करने आया था, भजन करने आया था क्या? वहाँ अब वहाँ अब वहाँ अब वहाँ भंडारा भंडारा। हाँ, तो ये बात है। तो इसलिए क्या बोले, लघुवासी, लघु खाने वाला, थोड़ा खाने वाला। यत वाक काय मानस, वाक काय और मानस, वाणी शरीर और मन, ये क्या हो? संयत हो जिसके, वाणी वाणी संयत हो। वाणी से अभिप्राय इसमें आ गया इंद्रिया, क्या आ गई? वाणी से उपलक्षित हो गई 10 इंद्रिया। तो जिसकी ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया दोनों क्या हो? संयत हो। काय माने शरीर जिसका संयत हो, और मानसः माने अंतःकरण जिसका संयत। यत वाक काय मानस, शरीर
इंद्रिया और अंतःकरण जिसने वश में किया हुआ हो, तो वह कैसे होगा? थोड़ा भोजन करने वाले का होगा, प्राणायाम आदि करने वाले का होगा, है ना, उसी का क्या होगा, और विवेक विचार से जो युक्त है उसका ही तो होगा। मन और इंद्रिया किसका वश में होंगे? और शरीर सात्विक भोजन करने वाला और थोड़ा खाने वाला, प्राणायाम आदि करने वाला, और जो सत्संग स्वाध्याय और विचार करने में जो युक्त है, विचारशील है, तो उसका ही क्या होता है? ये सब वश में होते हैं, शरीर इंद्रिया अंतःकरण, उसी के तो वश में होंगे ना। ध्यान योग परः नित्यम, नित्यम निरंतर ध्यान योग परायण लगा बना रहता है, निरंतर ध्यान करता रहता है, निरंतर ध्यान में बैठा रहता है। तो ऐसा अर्थ नहीं करेंगे खाली, निरंतर परमात्म चिंतन करता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, अधिष्ठान हूँ, चेतन हूँ, सच्चिदानंद हूँ। शरीर निर्वाह के लिए यथा योग्य कर्म करते हुए भी निरंतर परमात्म चिंतन कैसा होना चाहिए? भोजन कर रहे हैं, भोजन करो तो भी क्या हो, निरंतर चिंतन बना हुआ है। घूम रहे हैं तो भी चिंतन बना हुआ है। प्राणायाम कर रहे तो भी चिंतन चल रहा है। आसन कर रहे तो भी चिंतन चल रहा है। रोटी बना रहे तो भी चिंतन चल रहा है। झाड़ू लगा रहे तो भी चिंतन बना हुआ है। निरंतर एक क्षण भी, एक क्षण भी बहिर्मुखता ना आए। तो लगनशील होता है जिसको धन चाहिए, जैसे लोभी व्यक्ति है जिसको धन चाहिए, वो सब कुछ करते हुए दृष्टि किस पर रहती है? किस पर दृष्टि रहती है? वैसे ही जो साधक है सब कुछ करते दृष्टि किस पर रहती है? निरंतर परमात्मा, निरंतर। करना पड़ता है क्या जी? करने की जरूरत नहीं है। जो वैराग्यवान है उसको करने की जरूरत थोड़ा है। जैसे संसारी लोग कहते हैं कि महाराज हम चिंता करते थोड़ा है, होती है चिंता करते है, होती है, हैं, अपने आप ही होती है। तो वैसे ही संसारी चिंता करते नहीं होती है, महात्मा लोग चिंतन करते नहीं होता है। जो वैराग्यवान है सही सही चिंता नहीं होगा, और होगा क्या? वो करने की जरूरत है, वो करने, रागी को करना पड़ता है। रागी जो है वो करना पड़ता है, करना चाहता है और वो कर नहीं पाता है, तो इसीलिए वो करता है। लेकिन जो वैराग्यवान है उसको करना नहीं पड़ता, होता है, होगा स्वाभाविक स्वतः ही। यदि वैराग्य सही सही है, प्रबल वैराग्य है, तो सामान्य वैराग्य में नहीं, प्रबल वैराग्य, प्रबल, तो उसको तो हर समय स्वतः ही परमात्म चिंतन होगा ही होगा। और होगा ही क्या, और क्या होगा, और भी कुछ होगा? और तो कुछ होगा ही नहीं, परमात्म चिंतन ही होगा। तो इसलिए ध्यान योग परः नित्यम, नित्यम निरंतर जो परमात्म चिंतन परायण है उसी में लगा हुआ है निरंतर। वैराग्यम समुपाश्रितः, और साथ ही साथ दृढ़ वैराग्य का जिसने आश्रय लिया हो, ऐसा वैराग्य, दृढ़ वैराग्य, प्रबल वैराग्य हो,
ये अपने आप ही एक ही चीज काम बना देती है। यदि ये वैराग्य जो है, जैसे नाव में बैठ जाओ, मजबूत नाव हो तो एक ही पर्याप्त है, वही क्या करती है, पार लगा देती है। वैसे ही वैराग्य की नौका है, क्या दृढ़ वैराग्य की, बस में बैठ जाओ और कुछ करने की जरूरत नहीं है। भजन भजन क्या करना, अपने आप ही होगा। वैराग्यवान को भजन करना पड़ेगा क्या? भजन तो उनको करना पड़ता है जिनको वैराग्य नहीं है, राग है, वो करना पड़ता है। जो दृढ़ वैराग्य है, प्रबल वैराग्य है, संसार की असारता, दुख रूपता, क्षणिकता, परिवर्तनशीलता है, नश्वरता, जिनको खूब अच्छे से अनुभव हो गए, खूब अच्छे से, संसार के किसी तिनके में भी जिनकी प्रीति नहीं, ये प्रीति के विषय हो सकता है क्या संसार है? क्या भरा हुआ है? जैसे मान लीजिए शरीर है, ये शरीर जो है प्रीति का विषय हो सकता है क्या? मूढ़ता के कारण प्रीति का विषय है, अन्यथा क्या भरा हुआ है इसमें? खाल हटाओ, खाल हटा देते हैं, खालड़ा यहाँ रख जाओ, बाकी शरीर आप ले जाओ, गले लगोगे उसके, चाटोगे उसको, हैं? देख भी नहीं सकते। ये खलड़ा खलड़ा हटा दो और बस फिर देखो शरीर। तो ये शरीर जो है प्रीति का विषय नहीं हो सकता, फिर भी प्रीति का विषय है तो मूढ़ता के कारण से। किसके कारण से? मोह है ना, पर इसकी वास्तविकता दिख नहीं रही है, इसकी सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है कि क्या भरा हुआ है इसमें। है घड़ा है, घड़ा अच्छा लग रहा है, किसी ने कह दिया कि इस घड़े में क्या भरा हुआ है, अमृत भरा हुआ है, अच्छा लग रहा है, और फिर किसी ने कहा अरे घड़े में अमृत नहीं है, इसमें तो मलमूत्र भरा हुआ है, अरे मैंने यहाँ रखा, फेंको इसको बाहर, अब तक सुगंध आ रही थी, अब क्या आने लगी, हुआ कुछ नहीं है, केवल कहाँ हुआ है, ज्ञान, मोह से क्या आ रही थी सुगंध, ज्ञान हुआ तो कुछ बदली, चीजें बदली, कुछ चीज कुछ नहीं बदली, चीज वो की वही है, बस अकल आ गई। अकल नहीं थी तो असुंदर को सुंदर मानता था, थोड़ी सी अकल आ गई, पता लग गया कि जिसको सुंदर मानता था वो सुंदर नहीं है, इतनी सी तो बात है। तो वैराग्य का मतलब है अकल आ जाना, वैराग्य का मतलब है सही सही ज्ञान हो जाना, उसका यथार्थ ज्ञान हो जाना। तो वैसे ही संसार है, शरीर है, तो इसकी वास्तविकता से जो परिचित है वो अत्यंत वैराग्यवान है, और जो दृढ़ वैराग्यवान है बस उस नौका में बैठ गया, पार तो वो वही है। इसलिए विचार करके विवेक वैराग्य बढ़ाना भी चाहिए, पुष्ट भी करना। अच्छा जी, ज़्यादा लंबा नहीं, फिर व्याख्या भी तो है, समझ आ गया। वो क्या क्या बता, एकांत सेवन, सीमित भोजन करने वाला, और शरीर इंद्रिया और मन को जिसने संयत किया हुआ है, ध्यान योग परायण जो है निरंतर परमात्म चिंतन में लगा हुआ है, और दृढ़ वैराग्य का जिसने आश्रय लिया हुआ है। ठीक है, आगे देखो जी क्या कहते हैं, 53वां श्लोक। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकारं बलं दर्पं
कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्म भूयाय कल्पते अहंकार। अहंकार रहित बतलाएंगे, विमुच्य इनसे जो मुक्त है, अहंकार से जो रहित है, बलम बल से भी जो रहित है, कैसा बल जो बतलाया था ना, काम राग बलान्विता, कैसा बल, कामना और राग से युक्त जो बल है, कैसा बल है, कामना और राग से युक्त जो बल है, उस बल का भी क्या कर दिया है, उससे भी जो रहित है, उससे भी जो रहित है, दर्पम दर्प से जो रहित है, घमंड जिससे, जो दर्प बड़ा दर्पी है भाई, बड़ा दिखावा कर, बड़ा घमंडी है, तो उससे भी जो रहित है, दर्प से रहित है, कामम क्रोधम परिग्रहम, कामना से जो रहित है, कामम माने कामना रहित है, क्रोधम माने जो क्या है, क्रोध रहित है, क्या है, क्रोध, कामना में काम और क्रोध तो भाई भाई है, क्या है ये, जब कामना में भंग पड़े तब क्या आता है, तब इच्छा पूरी ना हो, इच्छा पूर्ति में कोई विघ्न उपस्थित हो जाए, कोई प्रतिबंधक आ जाए, तब क्या आएगा, तो भाई भाई ये दोनों साथ साथ रहते हैं, हैं? पहले एक खूब खाता पीता है, फिर दूसरा खाता पीता है, दोनों मौज उड़ाते हैं, हैं? काम और क्रोध, परिग्रहम, परिग्रह करना, संग्रह में ही लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, संग्रह में लगा हुआ है, अपने काम आना नहीं, फिर क्या मतलब है संग्रह करने का, जब अपने काम ही नहीं आना है, कह जी बच्चों के तो आएगा, वे अपना प्रारब्ध लेके खुद पैदा हुए हैं, उनकी वे जाने, जिनका बाप नहीं तू है, उनका कौन कर रहा है, उनका भी तू ही कर रहा है, एक दो का करके और तू बड़ा खुश हो लेता है, सोचता है कि बस अपना कर ले, क्या कर ले, अपना कर ले, अपना कर्तव्य करो, कोई मना नहीं, अच्छी शिक्षा संस्कार दो संतान को भी, और अपने द्वारा भी सुकृत करो, सत्कार्य हो और आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ो। अब मुँह में लोभ में आकर के झूठ कपट करके इतना संग्रह कर लेता है, इतना जोड़ देता है, बाद वाले मौज उड़ाते हैं, कोई मतलब तो है नहीं, कितना ही कर जाओ, इतने दुष्ट है, जिनको आप अपना कहते हो उनके लिए कितना ही कर जाओ, कहें कुछ नहीं किया, क्योंकि ये तृष्णा ऐसी चीज है, तो ये तो भरती नहीं है, 100 दे दो तो भी रहता है, 200 क्यों नहीं दिए, 200 दे दो तो कहते हैं 1000 क्यों नहीं दिए, हैं, वो तो आग्रह समझ, अपना अधिकार समझता है, हैं, क्या समझता है, अधिकार समझता है कि दूसरे को क्यों दिया, सारा मेरे को ही दे दे, संतोष नहीं है ना, क्या है, उस भाई को ज़्यादा क्यों दिया, सब मेरे को ही दे दे, अरे क्यों दे दे, अपने आप पुरुषार्थ कर, क्या करें, अपने आप कमाएगा, ताजी खाएगा तो शरीर मन भी प्रसन्न रहेगा, पाप रास्ते से भी बचा रहेगा, लेकिन बस अब तो क्या है, परिग्रहम, परिग्रह करना, जोड़ना, जोड़ जोड़ के धर लेना, जोड़ जोड़ के, हाँ जोड़ जोड़ के धरते गए, 54, 58 जोड़ जोड़ के मर गए, चौकुंठी और गोल और माल जमाई खाएंगे, सुसरे की जय बोल, हाँ जोड़ जोड़ के मर गए, हाँ एक अन्ना दो अन्ना जोड़ जोड़ के है कर लिए,
और फिर क्या है वो जवाई क्या जवाई बताया था ना जवाई की कहानी, सारा माल जो है लड़की भी लेके जाते हैं और माल भी लेके जाते हैं, जो कुछ कमाया बल्कि कर्जा और रोके निमटती है बात, क्या है कर्जा और हो कि भाई इतने खर्च कर जेब में है 10 रुपये नहीं, खर्च करने पड़ेंगे 100, तो इधर उधर से कर्जा लेगा लोन लेगा तब जा करके कन्या दान करेगा। कन्या को तो लोग इसलिए ऋण समझ लेते हैं भाई ये तो आगे ही लेने जरूरी है क्या देना भाई, कन्या लेनी हो ले हैं, अपनी कन्या को सुशील सद्गुण संस्कार दो, सेवा भावी बनाओ योग्य बनाओ, बाकी कहना कहना भाई ये तो अपने आप में पूर्ण है क्यों दे, अपनी खुशी से दो, बेटे को देते हैं तो बेटी को भी दे दे, वो तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसा है, लेकिन कन्या तो बस ये समझेंगे भाई इतना तो खर्च करना ही करना पड़ेगा, ये दिखावा ये क्या जरूरत है, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। तो देखो जोड़ जोड़ने की बात है, परिग्रहम परिग्रह से जो रही है, संचय वृत्ति नहीं है, जोड़ने के बस जोड़ ही दो, जोड़ना कुछ नहीं है, पाप संग्रह करना है, धन संग्रह नहीं कर रहे हम, जो कोई धन का संग्रह कर रहा है वो संग्रह किसका कर रहा है, केवल पाप का संग्रह कर रहा है, इसीलिए खिलाते रहना चाहिए, इसीलिए क्या करना चाहिए, खिलाना बांटना खिला के खाना यही उत्तम है। और ये जो संग्रह वृत्ति है, धन का संग्रह नहीं हो रहा है, किसका संग्रह हो रहा है, पाप का संग्रह, बताया है ना कि जितने से पेट भरे उतना तो है अपना, इससे बाकी जो बच गया वो अपना नहीं है, वो तो क्या है वो तो दुनिया का है, पर उस पर जबरदस्ती कब्जा करके बैठ गए। यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देना, जितने में पेट भर जाए उतना ही अपना है, जो खा लिया जो पहन लिया जो खिला दिया जो पहना दिया वो तो है अपना, बाकी बैंक में जो रख के चले गए वो अपना है क्या, वो अपना नहीं, अपने काम ही नहीं आया है, अपने काम ही नहीं आया है ना, खाया पिया अंग लगा और दान दिया संग लगा और बाकी बचा जो खा लिया वो अपने काम, जो खिला दिया वो आगे मिलेगा, और जो ना खाया ना खिलाया वो रख के गया, तो जंग ही लगे वो किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का हाँ, तो कोई ठेकेदारी थोड़ा ही है जोड़ना। तो परिग्रहम परिग्रह नहीं है जिसका, विमुच्यः इनसे जो रहित है, अहंकार से रहित तो होकर काम राग युक्त जो बल है उससे रहित तो होकर, दर्प से रहित तो होकर, काम क्रोध से रहित तो होकर, और संग्रह वृत्ति से रहित तो होकर क्या करे, ब्रह्मचिंतन करना चाहिए। निर्ममः क्या है, ममता नहीं है, कहीं पर भी ममता नहीं है, स्त्री पुत्र धन आदि में कहीं पर भी क्या है, ममता नहीं है, शरीर की भी ममता का ही परित्याग करना है, शरीर की ममता से ही तो स्त्री है, शरीर की ममता से ही पुत्र आदि है, भाई बंधु है, माता पिता है, तो निर्ममः माने ममता रहित जो है, ममता नहीं है, शांतः शांत तो हो ही गया है, जिसकी इंद्रिया चंचल नहीं है, विषय वासना से युक्त नहीं है, तो क्या है शांति होगा ना, तो शांतः जो शांत है प्रसन्न है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, क्या होता है ऐसा जो साधक है वो ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है,
कैसा साधक? ये तीन श्लोक में बतला दिए साधन, बुद्धि विशुद्ध हो, धैर्य युक्त हो, अपने आपको जिसने वश में किया हो, शब्दादि विषयों की आसक्ति को छोड़ करके और राग द्वेष का परित्याग करके एकांत सेवन, सीमित भोजन और शरीर इंद्रिया मन को संयत करके निरंतर परमात्म चिंतन परायण है और दृढ़ वैराग्य का आश्रय लिया हुआ है और अहंकार बल दर्प काम क्रोध से जो रहित है, संग्रह वृत्ति से जो रहित है, ऐसा ममता रहित शांत जो साधक है ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। क्या करता है? ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। आगे वाला श्लोक भी आप सुन ही लो, है ना? तो देखो जी, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्। ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्म भूतः जो क्या है, ब्रह्म भूत हो गया, क्या हो गया? ब्रह्म रूप है, अर्थात अपने स्वरूप में जो प्रतिष्ठित है, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा। क्या है? जिसका आत्मा अंतःकरण निरंतर प्रसन्न है। क्या है? ना राग, ना द्वेष, ना काम, ना क्रोध, ना किसी प्रकार की चाह, तो फिर क्या होगा? प्रसन्न नहीं है ना, शिकायत नहीं है। संसारियों का काम है शिकायत, शिकायत, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, जो मिला वो फालतू ही है सारा है। खाने, ओढ़ने, पहनने के अलावा जितना ऐसा फालतू ही फालतू है, क्या करना? दो अबेरी दो सबेरी, इतनी दे गोपाला है, इतनी भी ना मिले तो ये ले अपने कंठी माला, दो सुबह मिल जाए, दो शाम को मिल जाए, हो गया काम, और क्या है, और खाती रहेंगे। दो अबेरी दो सबेरी, इतनी दे गोपाला, और इतनी भी जो ना मिले तो ये ले अपने कंठी माला, हाँ, फिर भजन कहाँ होगा? फिर तो भूख ही, भूख का ही भजन होगा। तो इसलिए खाना, ओढ़ना, पहनना, इतना मिल जाए बस इतना ही पर्याप्त है, बाकी तो फालतू ही फालतू, कोई ले जाता होगा ले जा भाई, बाकी क्या है? फालतू ही फालतू है, क्या करना है? हाँ, कुछ तो मिलता है, क्या मिलता है? चिंता, संभाल तो करनी है, क्या होगा? संभाल, संभाल ही संभालगी, और किया तो कुछ नहीं, क्यों सेठ जी? हैं क्या जी, किया कुछ नहीं, बस क्या करा के संभाला है, है? गधा था जो वजन संभालना था पीठ पर, जरूरी था? कहने मैं नहीं संभालता, मैं नहीं संभालता, जैसे आश्रम है ना, हम सोचते हम क्यों संभाल ले, हम ये सोचते थे शुरू में, इसलिए निरंतर छोड़ने का भाव रहता था। अब हम संभालते ही नहीं, क्यों? ये भी तो एक भ्रम है कि मैं संभालता हूँ, सब अपने आप संभालते हैं, अपना जो सहज कर्तव्य है, दायित्व है, उसको करते रहे, संभालने से कोई संभलती है क्या? हैं, संभालने से तो शरीर ही नहीं संभलता है, हैं?
खूब संभालने की कोशिश करता है फिर भी रोग घुस जाते हैं, खूब संभालने की कोशिश करता है फिर भी बूढ़ा हो जाता है। हाँ, ये तो भ्रम है कि आप संभालते हो। हाँ, आप संभाल सकते हो किसको, इन साधनों को आप संभाल सकते हो, अपने स्वरूप को। बाकी क्या संभलना सुमलना है, तो अपने आप संभलते रहते हैं, यूँ ही संभलते रहते हैं। हाँ, इसलिए अपना सहज जो दायित्व कर्तव्य उनको करो। बाकी संभालने संभूलने के चक्कर तो हमको लगता था कि हम क्यों संभालें, पर संभलता गया संभलता गया संभलता गया, ये भी भ्रम है कि मैं संभालता हूँ, फिर अकल आएगी ये तो भाई संभला हुआ है अपने ऊपर ही, अपने आप ही बिना संभाले ही संभल रहा है। अपने बैठे बैठे रहने से संभल जाता है, क्या है, बैठे बैठे रहने से संभलता है। नहीं, जैसे सूर्य के उदय होने मात्र से ही सब दिखने लग जाते हैं, कोई लाए थोड़ा आप कहीं से खंबा, ये खंबा, ये गाड़ी, ये फरस, ये ताकत कहीं से लेके आए, अंधेरा था तो दिख नहीं रहे थे, थे नहीं ना, और प्रकाश हुआ तो कहीं से लेके आए, क्या सब दिखने लग गए। तो वैसे ही आपके बैठे बैठे रहने से सब कुछ संभल रहा है, सब कुछ संभलता रहता है, तो ये भ्रम है। अच्छा जी, तो प्रसन्न आत्मा जो क्या है, निरंतर प्रसन्न है, न शोचति न कांक्षति, जो शोक नहीं करता है और न आकांक्षा ही करता है, चाहता ही नहीं है। क्या चाहे, किसको चाहते हो, संसार को। इज्जत क्या है, संसार। धन क्या है, संसार। पद क्या है, संसार। सम्मान क्या है, संसार है। सुखी क्या है, संसार। स्वस्थ क्या है, संसार को ही चाहते हो। न का आकांक्षति, किसी की आकांक्षा नहीं है, एक ही आकांक्षा है, क्या, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाऊं, परमात्म तत्व से परिचित हो के सही सही और परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित विराजमान हो जाना, ये आकांक्षा कर लो तो ठीक है, और बाकी तो सब पैरों क्या गले की बेड़ी है, जंजीर ही बांधने वाली। न शोचति न कांक्षति, न तो शोक करता है न आकांक्षा ही करता है। सर्वेषु भूतेषु समः, समस्त भूतों में जो क्या है, समता का दर्शन करता है, सब भूतों में जो समता में स्थित है, समभाव रखने वाला, सभी भूतों में ना कोई वैरी ना कोई मित्र, वो क्या कहते हैं, देख देख नानक बिगसाई, ना कोई वैरी, नहीं बिगाड़ना, नहीं बिगाड़ना, ऐसे कुछ करके बोलते हैं ना, नहीं बिराना, ना कोई मित्र नहीं, पेख ही पेख नानक बिगसाई, ऐसे करके बोलते हैं। तो ना तो कोई अपना ना कोई पराया, वास्तविकता तो यही है। जिनको अपने कहता है वो भी भूल है, किस बात में अपने, ये बताओ, उनके खाने से पेट भरता है, किस बात में अपने हैं, ये बताओ, किस बात में अपने हैं, आपके शरीर में पीड़ा होती है तो उसको कम कर देते हैं, या वो भोग लेंगे आपके बख्श बदले, आपकी बीमारी वो भोग लेंगे, किस बात में अपने हैं, ये बताओ, किसी बात में अपने नहीं। जिनको अपने कहता है किस बात में अपने, वो अपना कुछ लेन देन होता है आपके चार दीवारी के साथ, अंदर एक साथ रहने लगे उनके साथ, क्या कहता है, तेरे दुश्मन थे वे, लेने आए अपना कर्जा, और है क्या है, और तेरी छाती पे बैठ के लेंगे, दुश्मन है जिनको अपने कहता है ना, हाँ वे दुश्मन ही है अपने, किस बात में, ये बताओ, इस बात में अपने जी, इतना सा काम कर देते हैं, कंधे पे उठा के शमशान में ले जाके आग जला देते हैं, इतना काम करते, इतनी बात में अपने, बाकी किस बात में अपने, ये बताओ, किस बात में अपने, साथ आए थे, साथ चलते हैं, हैं, बताओ, कुछ करते हो बता दो, इस बात में अपने हैं जी, और सुख दिया या दुख दिया, ये भी जमा, ये भी हिसाब किताब लगा लो। जिनको अपने मानता है ना, उन्होंने केवल दुखी दुख दिया, सुख को कुछ नहीं देते, जिनको अपने नहीं मानता है ना, वो सुख, वे यदि सुख नहीं देते तो दुख तो नहीं देते, कम से कम
जिनको अपने नहीं मान रहा है वे सुख नहीं दे रहे हैं मान लीजिए तो, और जिनको अपने मान रहा है क्या दिया उन्होंने, हर समय चिंता इसका क्या होगा, इसका भी करना है वो करना है, दुखी दिया सुख कभी नहीं दिया। तो उनको जो अपना मान है उससे बड़ा बेवकूफ है कोई बेवकूफ? हाँ, पर ये बेवकूफी बहुत शुरू से चलती आ रही है संसार में है, और मूड़ मूड़ जो है वो इसमें मोहित रहते हैं, और समझदार जो है दूर बैठे तमाशा देखते हैं। अच्छा जी, समः सर्वेषु भूतेषु, समस्त भूतों में जो समभाव रखता है, ना अपना ना पराया, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति दया, तो पराम मद भक्तिम लभते, ऐसा जो साधक है वो मेरी जो पराम उत्कृष्ट श्रेष्ठ भक्ति है उसको प्राप्त करता है, अर्थात आत्मनिष्ठा। यही ऐसे नहीं कोई मान लेना कि किसी की भक्ति करने लग जाएगा वो, पराम भक्ति क्या है, आत्मनिष्ठा ही क्या है, पराम भक्ति है, मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति है जो अपने आत्म स्वरूप में विराजमान है। समय हो गया जी, बाकी का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य।